तो वही मैं पूरा जो भी फैक्ट्स है क्लियर आउट करने आ गया हूँ कि तुम लोग को लगे ना मैंने कुछ गलत किया है ना, तो मैं कुछ ऐसा बोलने में तुम लोग को बोलूँगा नहीं कि मेरे को मैं स्टोरी बोलूँगा और उस पर तुम लोग बोलो मेरे को कि मेरी गलती है करके। मैं सिर्फ स्टोरी तुम लोग को प्रेजेंट करूँगा, जो करना है मतलब यू आर द जज, तुम लोग को वो स्टोरी से लेके क्या मेरे को जज करना है आई डोंट रियली केयर, बट वही मैं मेरा पॉइंट ऑफ स्टोरी में सिर्फ क्लियर आउट करना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम से तुम लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, आज जो हूँ मैं इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस। तुम लोग ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिखाया, तो इसलिए मेरा इतना नाम बढ़ा है एंड इतने लोग प्यार करते हैं मेरे से। सो मेरा भी एक्चुअली हक बनता है कि तुम लोग सबको बोलूँ स्टोरी की एक्चुअल में हुआ क्या। तो आई थिंक लेट्स गेट टू द फर्स्ट पॉइंट। एक डेढ़ हफ्ते पहले कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग का प्रैक्टिस चालू था। हम लोग रिसेंटली अभी वापस जीतना चालू हो गए थे, लास्ट का एक हम लोग TC जीते थे एंड देन सडनली अन्ना का एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, जिसके लिए एक्चुअली मतलब मेरी पर्सनली और ऑब्वियसली मेरे टीममेट्स की बहुत मतलब डर गए थे, मतलब बहुत स्कैर्ड हुए थे एंड मेरा एक्चुअली मतलब वो पर्सनल फियर था कि इट्स अ गेमिंग करियर, वो मतलब मेरा करियर है, वो इस पे रोजी रोटी है मेरी, घर पे प्रोवाइड करना पड़ता है मेरे को पैसे जो भी हो। तो मेरी पर्सनली बहुत फटी हुई थी कि आगे जाके कुछ मेरे पर्सनल लाइफ को, मेरे गेमिंग करियर को कुछ अफेक्ट ना हो ये चीज़। तो भी मतलब स्टार्टिंग में हम लोग एज अ टीम थे, मतलब इतना लॉयल था मैं। अभी तुम लोग को जो स्पैम करना करो आई डोंट रियली केयर, पहले वो टाइम पे लॉयल था मैं। ये सब सीन हुआ तो भी हम लोग ने डिसाइड किया कि देखते जितना हो सकता है विल स्टिक विद अन्ना, जितना ट्राई कर सकते हैं अपने एंड से, क्योंकि अन्ना के बारे में जितना बोलूँ वो वर्ड्स मतलब बहुत कम है, क्योंकि वो बंदे ने हम लोग को जेन्युइनली बहुत हेल्प किया है। जब भी कोई टीम वगैरह था नहीं तभी उसने हम लोग को उठाया था एंड बहुत प्रॉमिसेस किए थे एंड जो उसने फुलफिल भी किए थे। तो मेरे को अपने टीममेट से, ओनर से, मैनेजर से 1% का भी कौन सा ग्रज नहीं है। ये जो भी मतलब था वो मेरा पर्सनल डिसीजन था एंड मैं उसको रिग्रेट नहीं करता। जब ये मतलब सीन हुआ था पूरा प्रॉपरली, तभी हम लोग एक डिस्कशन हुआ था कि क्या करना चाहिए। ऐसा सब हुआ प्रॉपर बड़ा इंसिडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब बड़े बड़े आर्टिकल्स वाले छाप रहे, तो इट्स अ बिग थिंग और ये वाइल्ड फायर जैसा पूरा स्प्रेड हो गया था एंड मेरे को उसमें चाहिए नहीं था कि फ्यूचर में जाके कुछ मेरा नाम उसमें अफेक्ट हो। तो भी वी आर स्टिल सपोर्टिंग अन्ना एज अ टीम, जो भी था हम लोग डिसीजन ले रहे थे एंड तक हम लोग ने सपोर्ट किया, पर इट वॉज हाई टाइम। मेरा पर्सनल करियर मतलब मैंने सोचा, मतलब वापस रीथिंक किया कि क्या क्या हो सकता है। अगर कुछ एक्चुअली बोलना नहीं चाहता हूँ, नेवर माइंड। तो 4-5 दिन पहले का बात करते हैं। तो सामुराई स्पोर्ट्स ऑफर्ड मी, ये है सैलरी, आई विल गिव यू दिस अमाउंट ऑफ सैलरी। तो मैंने बोला ओके, मतलब सिर्फ ओके में हम लोग का बातें वगैरह हो गए थे। तो ये अमाउंट मैंने जाके अनुज को दिखाया, अनुज को बोला भाई ऐसा ऐसा सीन है एंड आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरे को माही में मिलता था इट वाज जो डबल मिल रहा था, मतलब सामुराई ने जो ऑफर किया था वो माही से डबल मिल रहा था। तो ऑब्वियसली मेरे भी दिमाग में आया कि ये सब इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद आई एम गेटिंग अ बेटर ऑफर, तो आई वुड ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट करके। तो मैं गया अनुज के पास, गया उसको बोला ये सीन हुआ है। फिर अनुज ने जाके अन्ना को बोला कि एक्चुअली को ऐसा ऐसा ऑफर है, क्या करना चाहिए करके। तो फिर अन्ना का ये एक फाइनल डिसीजन था, फाइनल इन द सेंस मतलब अन्ना का इस पर भी काउंटर था कि आई विल मैच योर सैलरी करके। तभी मैंने बोला वापस सामुराई में से जिसका मेरे को फ़ोन आया था उसको मैंने बोला आई एम रियली सॉरी, इतने टाइम से हम लोग एक साथ है, इतना हम लोग ने मेहनत किया है, इतना सीनर्जी है हम लोग की टीम में, मैं नहीं ले सकता ऑफर करके। तो फर्स्ट स्टोरी क्लियर, मैंने सामुराई को सीधा मना कर दिया, क्योंकि आई वाज थिंकिंग ऑफ स्टिकिंग टू माय ओल्ड टीम, माई जो थे अनुज एस वगैरह ये लोग। बट ये जो पूरा अभी सिनेरियो बोला है मैंने, उसमें जब भी मेरे को ऑफर आया तभी टीम में से और दो लोग की सैलरी सेम मेरी मेरे लेवल मतलब मैच हुई, जो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, जो भी हो वो लोग है वो। फिर ये टॉपिक खत्म होता है। ये फिर आते वापस 2 दिन के बाद, मतलब परसों वापस मेरे को सामुराई वाले का फ़ोन आया, बोला ऐसा ऐसा है करके। एंड मैं वापस मतलब सोच में लग गया। सैलरी मतलब ऑब्वियसली वो ज़्यादा ऑफर वगैरह कर रहे थे, बट तभी मेरे दिमाग में था कि नहीं, मैंने अभी भी किया है, फेथ है टीम में, बट भरोसा था, मतलब इंडियन भरोसा था, खुद पे भरोसा था जो इतना टाइम से मेहनत करके आए हो, एंड टीम पे भी भरोसा था। बट फिर बाद में यही सोचा मेरा कि एक राइट गेम्स जब भी ऑफिशियली इन्वॉल्व होगी इंडिया में, जब भी वो लोग स्टार्ट करते ये लोग सब टूर्नामेंट्स वगैरह करना, तो वो लोग पूरा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्या प्लेयर्स का बैकिंग है, क्या ऑर्ग्स मतलब ओनर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है राइट गेम्स का। तो उसमें मैंने वापस सोचा कि मेरे को एक्चुअल में डर था कि आगे जाके वापस कुछ हो ना जाए, मतलब मेरे गेमिंग करियर को, क्योंकि राइट का डिसीजन अभी तक आया नहीं था। एंड पर्सनली मेरे को वेट नहीं करना था तब तक कि जब तक राइट का डिसीजन ना आए। तो मैंने फिर वही सेम मैंने अनुज को मतलब ये लोगों को वापस बोला कि ऐसा ऐसा है करके, एंड आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम लिविंग करके, मैं जा रहा हूँ। तो जो तुम लोगों को स्टोरीज वगैरह देखने मिल रहे हैं कि वी आर रियली शॉक्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है, शॉकिंग न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं है। मेरे टीम को भी पता था, मेरे मैनेजर को पता था, टीम ओनर को पता था कि 1 हफ्ते पहले सेम चीज़ हुई थी, एंड कल भी मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था। तो आई डोंट थिंक वो लोग शॉक हुए रहेंगे ये इससे। एंड मेरे को पर्सनली लगता नहीं कि मैंने कुछ ऐसा लिमिट्स वगैरह कुछ क्रॉस किया, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने भी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था मेरे घर पे लॉयर्स है, मतलब मेरे फैमिली लॉयर्स है, उनको मैंने दिखाया कि ऐसा ऐसा है करके। एंड देवर लाइक तू अगर तेरा ये डिसीजन तूने बना लिया है तो तू कुछ इलीगली कर नहीं रहा फिलहाल, तो अभी जो भी हो वो लोग ने बोला वो लोग लीगल एक्शंस लेंगे मेरे पे, अप टू देम। तो सामुराई वाले एंड टीम आई दोनों आपस में जो भी देख लेंगे। मैं सिर्फ अपना मतलब नॉर्मल फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, व्हाट आई फेल्ट वाज राइट, एंड कुछ रिग्रेट्स ही नहीं मेरे को, ये जो किया मैंने अभी उस पर कुछ रिग्रेट्स नहीं है। और एक और मेन चीज़ था जो बहुत एक्चुअली स्केरी था मेरे लिए पर्सनली, अभी 3-4 दिन पहले एक VCD का टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था, जो एक्चुअली हाँ VCD का टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था। एंड मी बीइंग अ प्रोफेशनल वैलोरेंट प्लेयर, मेरा एक ही सपना है कि इंडिया का नाम मैं रोशन करूँ, वो टूर्नामेंट्स मेरे को खेलना है, राइट ऑफिशियल इवेंट्स। एंड ये सब इंसिडेंट के बाद, अन्ना का जो इंसिडेंट हुआ उसके वजह से मेरा स्लॉट ना चले जाए, मतलब मेरे टीम मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया करके। तो एंड उसके बाद एक और जो न्यूज़ आती है, जो अभी रिसेंटली एक मैप आया ब्रीज का, तो उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, माई का एक कंटेंट क्रिएटर उसको मतलब निकाल दिया था, जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ अ पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर ऑफ टीम माही। तो और मैं सोच में पड़ा कि सीरियस है बहुत करके। एंड वैसे जब ये नॉर्मली सीन चालू था तभी बहुत सारे ब्रांड्स भी थे जो मतलब ऑलमोस्ट 99% डील डन था वो लोग का। एंड ये सीन होने के बाद वो लोग ने बैकआउट किया। ब्रांड्स का नाम भी ले नहीं सकता मैं इधर, ना ही मेरे को लेना है ब्रांड्स का नाम। एंड इतना ही है फिलहाल। एंड या यही है मेरा, अभी ये मेरा बैक स्टोरी है। तुम लोग अभी जज हो, तुम लोगों को जो करना है करो।